एक्टर वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा को बॉलीवुड में ब्रेक करण जौहर ने दिया था। उन्होंने दोनों को ही अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ बॉलीवुड में लॉन्च किया था। आज की टॉप एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी इसी फिल्म के साथ बतौर फीमेल लीड डेब्यू किया था। तीनों ने इंडस्ट्री में साथ में कदम रखा। करण जौहर के काफी फेमस सेलिब्रिटी चैट शो में इस बार वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा मेहमान बनकर पहुंचे। दोनों ने शो में किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी से बचने की पूरी कोशिश की। हालांकि करण जौहर ने अपने खुलासे से वरुण और सिद्धार्थ दोनों के ही होश उड़ा दिए। जी हाँ, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा को बॉलीवुड में ब्रेक करण जौहर ने ही दिया था। उन्होंने दोनों को ही उनकी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से साथ के साथ बॉलीवुड में लॉन्च किया था। आलिया भट्ट ने भी इसी फिल्म के साथ बतौर फीमेल लीड अपना डेब्यू किया था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर ज्यादा सफल तो नहीं रही, लेकिन तीनों एक्टर्स के करियर बॉलीवुड में चल पड़े। फिल्म को लेकर अब करण जौहर ने एक बड़ा खुलासा किया है कि वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट को कास्ट किया जाए। जी हाँ, कॉफी विद करण में होस्ट ने जैसे ही इस बात का खुलासा किया, वरुण और सिद्धार्थ दोनों के ही होश उड़ गए। करण जौहर ने कहा, मुझे अभी भी याद है जब पहली बार आलिया भट्ट आई थी तो कैसे तुम दोनों यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि तुम आलिया को इस फिल्म में कास्ट नहीं कर सकते। तुम दोनों में से एक ने कहा कि वो अभी बहुत छोटी है। मैं कह रहा हूँ कि ये सब ऐसे ही शुरू हुआ था, लेकिन जब हमने आलिया के साथ शूट किया, उसके 3 महीने बाद फोटो शूट के दौरान वो चुपचाप खड़ी रही और तुम दोनों में से किसी की तरफ भी नहीं देखा। करण ने आगे कहा, आलिया घबराई हुई थी या तो फिर शर्मा रही थी, क्योंकि तुम दोनों मुझे पहले से जानते थे और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती थी। हमने फोटो शूट किया और उसके तुरंत बाद, मेरा मतलब है, मुझे पहले शॉट में ही पता चल गया कि वो फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आलिया भट्ट को फिल्म में लेने पर वरुण धवन की रिएक्शन के बारे में बताते हुए करण जौहर ने कहा कि फिल्म के लिए एक्टर ने यानी वरुण धवन ने उन्हें कई दूसरी एक्ट्रेसेस की फोटो दिखाई थी और कहा कि आप इस एक्ट्रेस को इस फिल्म में कास्ट कर सकते हैं या फिर उस एक्ट्रेस को। हालांकि करण ने एक्ट्रेसेस के नाम तो नहीं रिवील किए, पर हाँ, वरुण ने उन्हें कई और एक्ट्रेसेस की ऑप्शंस दिए थे। हालांकि करण को इस बात की खुशी है कि उन्होंने वरुण धवन की बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़े रहे। करण जौहर के स्टूडेंट्स वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा को कॉफी विद करण सीजन 8 के हाली एपिसोड में मशहूर कॉफी काउच की शोभा बढ़ाते हुए देखा गया था। वरुण और सिद्धार्थ ने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने अपने करियर की शुरुआत की थी। धन्यवाद जुड़े रहे ऐसे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड की इसी के साथ।